Okay, welcome friends. In today's session, we are currently dealing with salary chapter and we are calculating short sums based on gratuity. Today also we will try to have one small sum based on gratuity which covers both pattern of employees, government employees and non-government employees. If gratuity received by a government employee, then what will be his taxable gratuity amount? How you will calculate his taxable gratuity amount, and if he is a non-government employee and who receives gratuity and it is covered under the payment of gratuity act, how we will make, how you are going to make its valuation as per Companies Act 1961. That is very interesting to be understood. So let us have first detail of the sum. Pehle hum sum ki detail padhne ki koshish karte hain aur kya details hame diye aur us detail mein se hame kya calculation karna hoga wo samajhte hain. So let's have the detail. Mr. Akela retires from Thakela Limited after 29 years and 6 months and 15 days of service on 17th December 2019 and receives gratuity amounting to rupees 4 lakhs. पहले दो लाइन के अंदर आपको यहाँ पहले जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट के अंदर आपको ये समझाने की कोशिश की है, यहाँ आपको ये इंफॉर्मेशन दी है ये मिस्टर अकेला इज एन एम्प्लॉय ऑफ थकेला लिमिटेड और वो रिटायर हो रहे हैं. कितने साल के बाद रिटायर हो रहे हैं? 29 ईयर 6 मंथ्स एंड 15 डेज ऑफ सर्विस के बाद रिटायर हो रहे हैं. रिटायरमेंट की डेट दी है आपको 17 दिसंबर 2019 और उनको ग्रेजुएटी प्राप्त हुई है 4 लाख की, उन्हें ग्रेजुएटी मिली है 4 लाख की. रिटायरमेंट की इंफॉर्मेशन दी है, साथ साथ में ग्रेजुएटी का लड्डू मिला है, ग्रेजुएटी मिली है 4 लाख की. अब उनकी सैलरी की इंफॉर्मेशन दी है, रिटायरमेंट के वक्त उनकी सैलरी कितनी थी. हिज सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट वाज बेसिक दिया है आपको 6000 पर मंथ. डियरनेस अलावेंस यानी इट्स अ टाइप ऑफ अलावेंस वो दिया है रुपीज 1800 पर मंथ. कमीशन ऑन टर्नओवर 1%, ये इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की हुई है रिलेटेड विद सैलरी. ठीक है, सैलरी की इतनी इंफॉर्मेशन आपको पर मंथ के हिसाब से दी हुई है, एक महीने के हिसाब से दी हुई है. He got an increment on 1/4/2019 of rupees 1000 per month in basic. कुछ increment यानी उनके इन जो सैलरी है उसमें कुछ increase हुआ है, इजाफा हुआ है, increment यानी कुछ increase हुआ है उनकी सैलरी के अंदर. वो कब increase हुआ है? 1/4/2019 of rupees 1000 per month in basic, ऐसी information. Basic में 1000 का increment हुआ है, बड़ा है. Turnover achieved by the SSC rupees 1 lakh per month. Turnover यानी कि sales की information दी है, एक महीने का sales जो है SSC का. SSC यानी कौन? Taxpayer. Taxpayer कौन होगा यहाँ पे? Mr. अकेला. उनका जो sales है एक महीने का 1 लाख का है. तो ये कुछ details आपको यहाँ दी हुई है. Commission 1%, turnover पे तो turnover भी आपको यहाँ दिया हुआ है. Calculate his taxable gratuity if he is a government employee. आपको सिचुएशन दी है, आपको टैक्सेबल ग्रेजुटी कैलकुलेट करना है. सिचुएशन नंबर वन क्या है? मान लीजिए कि अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो और उन्हें ग्रेजुटी मिलती है तो उसकी टैक्सेबल ग्रेजुटी कितनी होगी वो आपको कैलकुलेट करनी है. या मान लीजिए अगर वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उनको ग्रेजुटी मिली है और जो ग्रेजुटी मिली है इट इज कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972 वाली सिचुएशन है, तो उनकी टैक्सेबल ग्रेजुटी क्या होगी. हमें इस सम के अंदर दो तरीके से वैल्यूएशन करना होगा. पहला वैल्यूएशन, अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो कितना टैक्सेबल ग्रेजुटी होगा, और दूसरा सिचुएशन अगर वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है विच इज कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट वाली सिचुएशन है तो आपका वैल्यूएशन कैसे होगा. तो सिचुएशन नंबर वन को पकड़ के चलते हैं और हम चलते हैं पहले पॉइंट पे. पहला पॉइंट क्या है? इफ मिस्टर बाला इज सॉरी इफ मिस्टर अकेला इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाली सिचुएशन है, तो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ग्रेजुटी मिलती है तो क्या उस पर टैक्स लगेगा. हमने थियरी में पढ़ा था अच्छे से, अगर याद होगा तो आप एक लाइन में उसका आंसर लिख सकते हैं, दो लाइन में. इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो रूल क्या है? ग्रेजुटी रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज कंसिडर्ड फुल्ली टैक्स फ्री, मीन्स फुल्ली एग्जम्प्ट. तो यानी रूल क्या एनकरेज कर रहा है हमको? रूल ये एनकरेज कर रहा है कि आपको सरकारी नौकरी लेनी चाहिए, आपने सरकारी मुनाजिम बनना चाहिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना चाहिए और इस बेनिफिट का बेनिफिट लेना चाहिए.
दो दो बेनिफिट मिल रहा है, एक तो रिटायरमेंट के वक्त आपको ग्रेजुटी मिलती है और वो ग्रेजुटी भी टैक्स फ्री है, यानी आपको उसके ऊपर 1 रुपया टैक्स पे नहीं करना है। तो दो दो लड्डू मिले कि नहीं मिले? इसलिए सरकारी नौकरी करनी चाहिए, सरकारी मुलाजिम बनना चाहिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना चाहिए, एक तरीके से कहने की कोशिश की जाए। तो आपको सिर्फ दो लाइन में ऐसे स्टेटमेंट लिख देना है, इसका मार्क्स है, इस तरीके से आपको लिखना होगा। क्या लिखना है? सिर्फ ग्रेजुटी रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज फुल्ली टैक्स फ्री या फुल्ली एग्जम्प्ट, यानी आपने 1 रुपया, यानी मिस्टर अकेला ने 1 रुपया टैक्स पे नहीं करना है अगर वो सरकारी कर्मचारी हो तो, इतना ही लिखना है। आप दूसरी सिचुएशन पे चलते हैं, दूसरी सिचुएशन में कह रहे हैं कि वो नॉन गवर्नमेंट है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो क्या होगा, वैल्यूएशन कैसे होगा? तो हम सिचुएशन लिखते हैं, सिचुएशन नंबर 2, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट है, ये वाली सिचुएशन है। तो हम पहले नोट्स लिखेंगे इस सिचुएशन में, हमने जो ऊपर दो नोट्स लिखे थे सम नंबर 1 में, जो पिछले सम में हमने नोट्स लिखे थे वैसे ही नोट्स यहाँ लिख देने। पहले राइटिंग वर्क कर लेंगे, कलम चलाएंगे। नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 के अंदर मैंने दो भाग बना दिए हैं क्योंकि कॉमन नोट्स मैंने शॉर्ट में आपके सामने रखे हैं जिससे आपको आसान लगेगा। अब मान ली हमें जो सिचुएशन दी है उसके हिसाब से, ये मान लीजिए मिस्टर अकेला जो है, इफ द एम्प्लॉय रिसीव्ड ग्रेजुटी अमाउंट इज कवर्ड अंडर द एक्ट वाली सिचुएशन है, तो आपने दो चीजों का ध्यान रखना है। पहली चीज क्या करेंगे हम, कंसिडर मोर देन 6 मंथ्स एज 1 ईयर फॉर फाइनलाइजिंग कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। सब में तो सामने से ही बोल दिया नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ठीक है, वो तो हमारा सॉल्व हो गया मैटर। दूसरा आपने मैटर क्या क्लियर करना है, जो ग्रेजुटी मिली है वेदर इट इज कवर्ड और नॉट कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट, सर ये भी कवर्ड वाला ही पॉइंट है। तो कवर्ड है ये डिसाइड हो गया, तो कवर्ड के अंदर अब हमने आगे क्या डिसाइड करना होता है कि अगर कोई अधूरा साल है, इनकम्प्लीट ईयर है रिटायरमेंट के वक्त, तो क्या उसे 1 साल मानेंगे या नहीं मानेंगे? ठीक है, अगर 6 महीना या 6 महीने से ज्यादा है तो आप 1 साल मानेंगे। तो देख लीजिए रिटायरमेंट की सिचुएशन क्या है, कितने साल सेवा दी है मिस्टर अकेला ने, 29 ईयर 6 मंथ्स 15 डेज सेवा दी है, यानी 6 महीने से ज्यादा। तो मैं यहाँ पे कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस क्या लूंगा दोस्तों ध्यान में, 30 ईयर्स ध्यान में लूंगा। अगर मान लीजिए 29 ईयर्स 4 मंथ होता तो मैं 29 ईयर्स लेता, 6 महीने से कम होगा तो मैं जो उस कंप्लीटेड ईयर्स है वही ध्यान में लूंगा। अगर 6 महीना या 6 महीने से ज्यादा होगा तो मैं 30 ईयर्स यहाँ पे ध्यान में लूंगा, तो यहाँ पे मैं 30 ईयर्स कंप्लीटेड ईयर्स लूंगा। सो ये पहली कंडीशन आपको क्लियर हो गई यहाँ पे नोट्स की। दूसरा जो नोट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पॉइंट बी इंपॉर्टेंट है, कमीशन ऑन सेल विल नॉट बी टेकन फॉर कैलकुलेटिंग सैलरी। अगर कवर्ड वाली सिचुएशन है, ध्यान रखना मैं क्या कह रहा हूँ, कवर्ड वाली सिचुएशन है तो अगर कमीशन ऑफ सेल्स मिल रहा है, कमीशन ऑन सेल्स भी अगर मिल रहा है तो उसको सैलरी के अंदर वैल्यूएशन में नहीं लेना है एज पर रूल्स, एज पर रूल्स इन केस ऑफ कवर्ड। यही अगर नॉट कवर्ड वाली सिचुएशन होता तो मैं सैलरी के अंदर कमीशन को इंक्लूड करता, कैलकुलेट करता। माइंड यू ये बात आपको ध्यान में रखनी है, रिपीट करता हूँ, अगर कवर्ड की सिचुएशन में कमीशन की इंफॉर्मेशन दिए तो आपको ध्यान में नहीं लेना है कैलकुलेशन में सैलरी की। लेकिन नॉट कवर्ड वाली सिचुएशन और कमीशन दिया है आपको इंफॉर्मेशन में तो आपको उसको सैलरी का भाग मानना है और कैलकुलेशन करके उसमें रखना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे नोट्स क्लियर हो गए। अब ये कवर्ड वाली सिचुएशन में पहला वर्किंग नोट क्या होगा सर, आपने 15 दिन का पगार कैलकुलेट करना, यू आर सपोज टू कैलकुलेट 15 डेज ऑफ सैलरी। तो आ जाते हैं हमारे मेन सूत्र पे, लेट अस कैलकुलेट 15 डेज सैलरी। क्या फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला है, आप लेंगे सैलरी जो होगी मंथली, कैसी होगी यहाँ पे मंथली होगी, ध्यान रखिएगा, सैलरी मल्टीप्लाई बाय 15 अपॉन 26 मल्टीप्लाई बाय कंप्लीटेड इयर्स ऑफ सर्विस। आप देखें यहाँ पे सैलरी क्या है सर, सैलरी का फॉर्मूला है, पिछले सम में आपको सैलरी रेडीमेड दी हुई थी सम नंबर 1 में मिस्टर बाला वाला, लेकिन इस सम के अंदर आपको मंथली सैलरी की इंफॉर्मेशन दी हुई है, पर मंथ दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा यहाँ रेडीमेड नहीं दी हुई है, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ पे सैलरी, मंथली सैलरी कैलकुलेट करेंगे अगर।
सो लेट अस फाइनलाइज मंथली सैलरी। तो सैलरी का फॉर्मूला क्या है माइंड में रखिए, पहले कवर्ड के अंदर मंथली का सैलरी का फॉर्मूला क्या है कवर्ड सिचुएशन के अंदर। तो सैलरी इज इक्वल टू बेसिक प्लस डियरनेस अलावेंस, ये दो चीजें मिला के आप सैलरी का कैलकुलेशन करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे बेसिक कितना दिया आपको सब में, बेसिक दिया है 6,000 पर मंथ और डीए दिया है आपको 1,800 पर मंथ। मैंने पहले ही कहा है, हमने ऊपर नोट में लिख लिया है, कमीशन ऑन सेल्स हम ध्यान में नहीं लेंगे इफ द सिचुएशन इज कवर्ड वन, ठीक है। तो वो गड़बड़ ना हो आपके हिसाब किताब में, इसका आपको ध्यान रखना है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इनकम टैक्स का रूल कह रहा है। ये कमीशन क्यों नहीं लेंगे सर, इट इज एज पर रूल्स। चलिए तो 6,000 पर मंथ का डेटा लेना है। मान लीजिए यहाँ एनुअल दिया होता, पूरे साल का दिया होता, तो मैं एक महीने का मंथली सैलरी निकालता दोस्तों। आप इस बात का ध्यान रखिएगा सब में, अगर ईयरली दिया हो तो। सो बेसिक हमारा 6,000 पर मंथ है, डीए हमारा 1,800 है। पर मंथ बेसिक सैलरी आपका ओवरऑल सैलरी कितना हो गया पर मंथ के हिसाब से सर, 7,800 हो गया। अब हमने जो ऊपर फॉर्मूला लिखा है सर, उस फॉर्मूला के हिसाब से आप यहाँ पे 15 days ऑफ सैलरी का कैलकुलेशन फाइनल करेंगे। सो लेट अस कैलकुलेट 15 days सैलरी एंड हैव द फाइनल अमाउंट। चलिए तो कुछ इस तरीके से आपका वैल्यूएशन होगा। सैलरी अभी हमने कैलकुलेट की, वो लेंगे 7,800 मल्टीप्लाई बाय 15 अपॉन 26 विच इज फिक्स, मल्टीप्लाई बाय कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस जो हमने ऊपर फाइनल कर लिया था, 29 years 6 months 15 days है, तो हम 30 years राउंड ऑफ में लेंगे सर। इनकम्प्लीट ईयर को कंप्लीटेड ईयर को कन्वर्ट करने करके लेंगे सर। तो कितना वैल्यूएशन आ रहा है, 1,35,000 का हमारा यहाँ पे 15 days ऑफ सैलरी का अमाउंट आ रहा है। ये फाइनल हो जाए फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। हमें टैक्सेबल ग्रेजुटी कैलकुलेट करना है दोस्तों। तो टैक्सेबल ग्रेजुटी कैलकुलेट करने के लिए दो सिंपल से स्टेप है। पहला स्टेप है, यार सपोज टू कैलकुलेट एग्जम्प्टेड ग्रेजुटी, दैट इज कॉल्ड इन अदर वर्ड इट इज ऑल्सो कॉल्ड टैक्स फ्री ग्रेजुटी। कर मुक्त पहले ढूंढना है, कर मुक्त मिल जाएगा उसके बाद आप कर पात्र ग्रेजुटी कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। तो इसके लिए कवर्ड के अंदर तीन इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो आपको बाय हार्ट हो जानी चाहिए एज अ स्वीट हार्ट। तो चलिए देखते हैं तीन कंडीशंस कौन सी है। हेडिंग दे दीजिए, कंप्यूटेशन ऑफ एग्जम्प्टेड अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी ऑफ मिस्टर अकेला। तो दो कॉलम रेडी करनी होगी उसके अंदर आपने। सो लेट अस प्रिपेयर टू कॉलम्स एंड गिव द हेडिंग कंडीशंस एंड अमाउंट। तो सबसे पहली कंडीशन कवर्ड के अंदर अब बाय हार्ट हो जानी चाहिए आपको। हम दूसरा सम कैलकुलेट कर रहे हैं, 15 डेज ऑफ सैलरी और हमने कैलकुलेट कर दिया है। तो हम कैलकुलेशन के हिसाब से ब्रैकेट में लिख सकते हैं एज पर वर्किंग नोट नंबर वन। चलिए तो वर्किंग नोट नंबर वन के हिसाब से कितना होगा सर, 1,35,000 जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिया है। मैंने फुंदड़ी रखा है वो सिर्फ समझने के लिए कि एज पर वर्किंग नोट के हिसाब से हमने कैलकुलेट किया है, ये सब में नहीं दिया हुआ है, ये आपको मेहनत करके ढूंढना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट क्या है सर, व्हाट इज द सेकंड कंडीशन, या व्हाट इज द रूल सर व्हिच इज फिक्स्ड एज पर इनकम टैक्स। दूसरा रूल फिक्स है, मैक्सिमम कितनी ग्रेजुटी को, कितनी ग्रेजुटी के अमाउंट को हम एग्जम्पशन में ले सकते हैं सर, 20 लाख। 20 लाख से ज्यादा का एग्जम्पशन आपको नहीं मिल सकता एज पर रूल्स। और तीसरा रूल क्या है सर, तीसरा रूल आपको सब में दिया होगा कि जब वो रिटायरमेंट उन्होंने लिया मिस्टर अकेला, जब वो रिटायर हुए तब उनको कितनी ग्रेजुटी का लड्डू मिला है, कितना बेनिफिट मिला है सर, सब में दिया हुआ है 4 लाख मिला हुआ है। तो पहला आपने कैलकुलेट करना है, दूसरा आपने मेमोराइज करना है और तीसरा जो है सब में दिया होगा स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो इतना अगर आपको नॉलेज है, इतना वैल्यूएशन अगर आपका हो जाता है, तो ये तीन कंडीशन की अमाउंट जब आपकी स्टेटमेंट में आ जाती है तब आप डिसाइड कर सकते हैं व्हाट इज एग्जैक्टली टैक्स फ्री ग्रेजुटी। तो टैक्स फ्री ग्रेजुटी क्या है वो अब हम फाइनल करने जा रहे हैं दोस्तों। स्टेटमेंट लिखना होगा आपने शॉर्ट में, लिस्ट ऑफ द अबाउ थ्री इज रुपीज, कौन सी कम रकम है सर, 1,35,000 विच विल बी एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, यानी 1,35,000 पे आपने टैक्स की रकम पे नहीं करनी है, इतना आपको टैक्स फ्री मिलेगा, फायदा मिलेगा। जो कम है वो टैक्स फ्री होगा, ध्यान में रखना आपने। यानी ये सरकार की फेवर में नियम बनाया गया है, मैं तो यूं कहता हूं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ज्यादा फायदा मिलता है,
अगर मैक्सिमम रख दिया होता तो 20 लाख का फायदा मिल जाता कि नहीं, हमारे को टैक्स भरने का ही नहीं होता सर। इसलिए ये रूल इस तरीके से बनाया गया है कि थोड़ा बहुत हमें टैक्स पे करने का आएगा, यहाँ हो सकता है थोड़ा बहुत ज्यादा भी आएगा, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि जितना भी ग्रेजुटी मिला है पूरा का पूरा टैक्सेबल है। आपको थोड़ा तो राहत मिल रहा है, थोड़ा तो टैक्स फ्री मिल रहा है, तो जो मिल रहा है उसमें खुश रहिए। चलिए, तो टैक्सेबल टैक्स फ्री डिसाइड हो जाने के बाद हम टैक्सेबल ग्रेजुटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले टैक्स फ्री ढूंढना है, यानी कि एग्जम्प्टेड ढूंढना है, उसके बाद ही पॉसिबल है कि आप टैक्सेबल ढूंढ पाएंगे। स्टेप्स याद रखेंगे तो आसान है। टैक्सेबल ग्रेजुटी में फॉर्मूला क्या है सर, अगर मुझे कैलकुलेट करना हो तो रिसीव्ड अमाउंट माइनस एग्जम्प्टेड अमाउंट। तो रिसीव्ड देख लेते हैं दोस्तों, व्हाट इज रिसीव्ड? 4 लाख माइनस 1,35,000, रिसीव्ड 4 लाख है, एग्जम्प्टेड अभी हमने डिसाइड किया 1,35,000। तो हमारा टैक्सेबल ग्रेजुटी कितना बनेगा देख लेते हैं सर। टैक्सेबल ग्रेजुटी मिले बनेगा हमारा 2,65,000, यानी जब हम मिस्टर अकेला का, यानी जब मिस्टर अकेला अपना सैलरी स्टेटमेंट बना रहा होगा, तब वो अपना सैलरी का एक हिस्सा जो ग्रेजुटी है स्टेटमेंट में कितना दर्शाएंगे सर? 2,65,000। 4 लाख नहीं दर्शाना है आपको, लेकिन टैक्स फ्री का फायदा लेके हम कितना दर्शाएंगे? 2,65,000। अगर हम ये एग्जम्पशन का फायदा नहीं लेंगे तो हमारी टैक्स लायबिलिटी बढ़ेगी, हमें 4 लाख पे टैक्स भरना पड़ेगा। अगर हम इसका फायदा लेते हैं तो हमारी टैक्स लायबिलिटी उतनी कम होगी, 2,65,000 पे हमें उतनी रकम पे टैक्स पे करने का बनता है। तो इस तरीके से आपको अगर ग्रेजुटी के इस तरीके से शॉर्ट सम्स पूछे जाए तो आपने इस तरीके से वैल्यूएशन करना है दोस्तों।